Hello friend, today we will study some more phrasal verb. Then the first phrasal verb of today's lecture is clear off. इसका मतलब होता है to go or run away. अब इसे example में देखते हैं. As soon as he saw the police, he cleared off. दूसरा example. You have no right to be here. Clear off. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा कम अक्रॉस. इसका मतलब होता है संयोग से मिलना या टू फाइंड बाय चांस. इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं. व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर माय पर्स आई कम अक्रॉस दिस ओल्ड फोटोग्राफ. लेट्स सी इन नेक्स्ट एग्जांपल. व्हिल गोइंग टू मार्केट आई कम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन. हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम आउट. इसका मतलब होता है टू बी पब्लिश्ड या टू बी एक्सपोज्ड. हिंदी में प्रकाशित होना या प्रकट होना. इसका सेंटेंस में यूज करते हैं माय न्यू बुक विल कम आउट सून. दूसरा एग्जांपल एट लास्ट द ट्रुथ कम आउट. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा कम अप. इसका मतलब था टू बीइंग टू ग्रो. लेट्स सी एन एग्जांपल. इन स्प्रिंग वर्ड्स कम अप एवरीवेयर. हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम अबाउट. इसका मतलब होता है टू हैपन होना घटित होना. लेट्स सी एन एग्जांपल. लेट्स सी एन सेंटेंस. नोबडी नो हाउ द एक्सीडेंट कम अबाउट. Now our next phrasal verb is calm down. इसका मतलब होता है to become lower या to fall down. इसका मतलब कम होना या नीचे उतरना. अब इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं. The price of nothing is to calm down. अब हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है calm off. इसका मतलब होता है to take place होना किसी भी चीज का होना घटित होना. जैसे when is the wedding coming off. Now our next phrasal verb is come on. Come on to come with me. Come on is often said to someone who is hesitating. Let's say example में use this sentence में use this sentence. Come on we will be late for the show. अब हमारा next phrasal verb count on. काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा कर. टू रिले ऑन. अब इसका सेंटेंस में यूज करते हैं एज एग्जांपल आई काउंट ऑन योर हेल्प. अब हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है क्राई डाउन. इसका मतलब होता है टू डिप्रिशिएट या तुच्छ समझना या शिकायत करना. अब इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं. You must not cry down for real achievement. अब हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है cry off. इसका मतलब होता है to extol या प्रशंसा करना. अब इसका सेंटेंस यूज देखते हैं. He was cried off by his friends. Now our next phrasal verb is cut down. It means to reduce or कम करना. Let's see in sentence. Cut down your expense or you will be getting into debt. Now our next phrasal verb is cut off. It means to disconnect or to remove. Let's see in sentence. If you don't pay the bill on time, your electric supply will be cut off. Next is using sentence. He cut off a meter of cloth from the roll. Now our next phrasal verb is deal in. It means to tell something, to trade in something. In Hindi, का व्यापार करना. Let's see this using sentence. He deals in sugar. Next phrasal verb is deal with.
towards somebody या व्यवहार करना। इसका सेंटेंस में यूज करते हैं how would you deal with an angry man? How would you deal with an angry man? नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा dispose of, इसका मतलब होता है समाप्त करना, जाना या बेचना। अब इसका सेंटेंस में यूज करते हैं he engaged in disposing of all the files। या दूसरे सेंटेंस में यूज करते हैं इसका why don't you dispose of your old car? अब हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है do away with, इसका मतलब होता है to oblige या समाप्त करना। इसका सेंटेंस में यूज करते हैं we must try to do away with bad customs। नाउ आवर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज do without का मतलब होता है to manage in the absence of somebody or something, in Hindi किसी के बिना काम चलाना। अब इसका यू सेंटेंस में देखते हैं you may go, I will do without you। नेक्स्ट सेंटेंस है nowadays we cannot do without telephone। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ड हमारा die out, इसका मतलब होता है to become extinct, no longer be common, हिंदी में लुप्त हो जाना या अप्रचलित हो जाना। इसका सेंटेंस में यूज करते हैं some old customs are dying out। I hope this video helped you। Anyway, for watching this video, thank you।